गुड मॉर्निंग। तो लीजिए भाई, जिस दिन का हमें इंतज़ार था वो दिन आ गया है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्रसादम की तैयारी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। जय माता दी, कैसे हैं आप सब? तो आज है नौ में, तो हम लोग कंजक पूजने जा रहे हैं आज। तो बस वो प्रसादम तैयार कर रही हूँ और भक्ति भी शुरू हुई क्योंकि अभी 5 बज रहे हैं। चलिए मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं हलवे और खीर के लिए जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो काट के एक तरफ रख रही हूँ और अभी किशमिश मैं इनको घी में फ्राई कर रही हूँ हल्का सा, ताकि वो अच्छे से फूल जाएं। एक तरफ मेरी खीर बन रही है और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सूजी। अब मैं बनाऊँगी हलवा। तो भक्ति के उठने से पहले फटाफट से मेरा प्रसाद हम बन जाए, कम से कम आधा बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि फिर क्या है ना, टाइम का पता नहीं चलता है। खीर और हलवा रेडी है और अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ चने बनाने के लिए। चले दिखाते हैं। और तब तक भक्ति उड़ गई। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे भक्ति नहा धो के रेडी हो गई। मैंने भी ड्रेस चेंज कर ली क्योंकि फिर बच्चों के आने के टाइम हो जाता तो मैं फिर चेंज नहीं कर पाती, और आवाज़ मैंने इसलिए म्यूट रखी हुई है पीछे से बैकग्राउंड, क्योंकि भजन चल रहे थे तो फिर उसमें कॉपीराइट इशू आ जाता। तो यहाँ पे मैं फिर अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ बैठ के। तो आज मैंने सोचा चलो भक्ति की दो चिटिया बना दी जाए। भक्ति की दो चिटिया बन के रेडी है। बाबू थोड़ी है, माल नहीं लगाना। बाबू के पाल नहीं है, जब बाबू पाल आएंगे ना तब लगाएंगे। बाबू लोई का माल दूध जो लोई खाएगी तो मम्मी देखो तो मम्मी दूध पिलाएगी बाबू। 7 बज गई बेटा, लोई का बाबू तब पिलाना। देखो मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? देखिए हमारे घर में छोटी सी कन्या, ये हमारी पहली कन्या है। देखिए तो अब मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ चने, क्योंकि उस समय भक्ति उड़ गई थी तो फिर मैंने उसको रेडी करने के लिए चली गई थी, चने छूट गए थे। तो अब मैं चने बना रही हूँ यहाँ पे। तो पापा जी बनाया करते हैं ऐसे चने, जब मतलब हम लोग छोटे थे तो पापा जी बनाते थे, अभी भी पापा ही बनाते हैं घर में। जब भी कन्या पूछते हैं तो पापा और मैं ही रखते थे नवरात्रि। तो यहाँ पे हम जो कंजकों को देने के लिए जो मतलब मेरे सामर्थ्य के अनुसार जो भी गिफ्ट था वो भाभी यहाँ पे आके उसको पैक कर रही हैं, और सेम कॉपीराइट इशू आता है इसलिए पीछे से आवाज़ हटा रखी है। तो यहाँ पे मैं श्री गणेश करती हूँ नारियल फोड़ के। तो लीजिए भाई, आ गया वो पावन दिन, वो पावन घड़ी जिसका मुझे इंतज़ार था। तो मेरे घर आ गई हैं छोटी छोटी कंजिकाएँ और यहाँ पे मैं उनका स्वागत अभिनंदन कर रही हूँ उनके चरण कमलों को धोकर। आई भक्ति है, और ये देखिए पीछे से प्यारे प्यारे बच्चे कैसे देख रहे हैं। ये गोपी है और इसके पीछे है ख्याति, और ये ख्याति भी आ गई, उसके भी पैर मैंने धो दिए और ये जाने लग गई थी वापस कि मैं जाती हूँ करके। उसको मेरे से बहुत ज़्यादा डर लगती है, तो फिर उसके मम्मी ने अंदर भेजा। और बाकी एक छुटकी छुटकी सी प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं, ये राधा है और ये अर्चना है और इनका नाम मैं भूल गई, सॉरी। तो चलिए, सारी कन्याओं का प्रवेश हो गया मेरे घर में। और ये पीछे लंगूर बचा हुआ है, वो छुटका सा देख रहा है, उसका नाम देवेश है। तो ये लंगूर भी आ गया। तो जैसे कि माता रानी को चुनिया बस पसंद है, मतलब उनका श्रृंगार का सामान उनको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके कन्याओं के सर पे चुनियों को बांध रही हूँ, और यहाँ पे हम लोग खूब मस्ती कर रहे थे, खूब बातें कर रहे थे, और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने उसको फिर फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया। तो बस ये हो गया। तो अब हम यहाँ पे आरती करने जा रहे हैं।
तो अब हम करने जा रहे हैं छोटा सा एक हवन। तो मैंने सोचा चलो बच्चे आएंगे तो बच्चों के साथ ही हवन कर लिया जाए। तो अब हम आहुति दे रहे हैं एक एक करके यहाँ पे। तो अब यहाँ पे कंजिकाओं को मैं प्रसादम दे रही हूँ, तो आप वो प्रसादम ग्रहण करेंगे। जाओ पीठ पे मार के हो जल्दी से आंटी को, मारो मारो अरे जोर से मारो, मारो 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 वो पेड़ा पीने के लिए जाती है, उसको रोना रोना दूना है ना। अच्छा चाची का घर कहाँ है? चल 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 आराम से पहले। अच्छा छोड़ तो रही है। हाँ भाई कौन सा है तेरा घर? मेरा घर यहाँ पे, वो मम्मी खड़ी है ना वहाँ पे। बाय 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 किशोरी। तो बहुत ही भारी मन से कंजिकाओं को विदा देते हुए मैं अपने दुर्गा सप्तशती और नवरात्रि के इस अध्याय को यहीं समाप्त करती हूँ। माता रानी करे आपके घर धन धान्य से भरे रहें, खूब समृद्धि मिले, खूब तरक्की मिले। तो चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय माता दी।